श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित अध्याय 37 चावड़ी का समारोह। इस अध्याय में हम कुछ थोड़ी सी वेदांत विषयों पर प्रारंभिक दृष्टि से समालोचना कर चावड़ी के भव्य समारोह का वर्णन करेंगे। प्रारंभ। धन्य है श्री साई जिनका जैसा जीवन था वैसे ही अवर्णीय गति और क्रियाओं से पूर्ण नित्य के कार्यक्रम भी। कभी तो वे समस्त सांसारिक कार्यों से अलिप्त रहकर कर्मकांडी से प्रतीत होते और कभी ब्रह्मानंद और कभी आत्मज्ञान में निमग्न रहा करते थे। कभी वे अनेक कार्य करते हुए भी उनसे असंबंध रहते थे। यद्यपि कभी कभी वे पूर्ण निष्क्रिय प्रतीत होते, यद्यपि वे आलसी नहीं थे। प्रशांत महासागर की नाई सदैव जागरूक रहकर भी वे गंभीर, प्रशांत और स्थिर दिखाई देते थे। उनकी प्रकृति का वर्णन तो सामर्थ्य से परे है। यह तो सर्वविदित है कि वे बाल ब्रह्मचारी थे। वे सदैव पुरुषों को भ्राता तथा स्त्रियों को माता या बहन सादृश्य ही समझा करते थे। उनकी संगति द्वारा हमें जिस अनुपम प्राण की उपलब्धि हुई है उसकी विस्मृति उच्च पर्यंत ना होने पाई। ऐसे उनके श्री चरणों में हमारी विनम्र प्रार्थना है। हम समस्त भूतों में ईश्वर का ही दर्शन करें और नाम स्मरण की रसानुभूति करते हुए हम उनके मोहन विनाशक चरणों की अनन्य भाव से सेवा करते रहें, यही हमारी आकांक्षा है। हेमंत पंत ने अपने दृष्टिकोण द्वारा आवश्यकतानुसार वेदांत का विवरण देकर चावड़ी के समारोह का वर्णन निम्न प्रकार किया है। चावड़ी के समारोह। बाबा के शयनागार का वर्णन पहले ही हो चुका है। वे एक दिन मस्जिद में और दूसरे दिन चावड़ी में विश्राम किया करते थे और यह कार्यक्रम उनकी महासमाधि पर्यंत चालू रहा। भक्तों ने चावड़ी में नियमित रूप से उनका पूजन अर्चन 10 दिसंबर सन 1909 से प्रारंभ कर दिया था। अब उनके चरणाम्बुजों का ध्यान कर हम चावड़ी के समारोह का वर्णन करेंगे। इतना मनमोहक दृश्य था वो कि देखने वाले टिटक टिटक कर रह जाते थे और अपनी सुधबुद्ध भूल यही आकांक्षा करते रहते थे कि यह दृश्य कभी हमारे आंखों से ओझल ना हो। जब चावड़ी में विश्राम करने की उनकी नीति रात्रि आती तो उस रात्रि को भक्तों का अपार जनसमुदाय मस्जिद के सभा मंडप में एकत्रित होकर घंटों तक भजन किया करता था। उस मंडप के एक ओर सुसज्जित रथ रखता था और दूसरी ओर तुलसी वृंदावन था। सारे रसिक जन सभा मंडप में ताल, चपलीस, करताल, मृदंग, कंजरी और ढोल आदि नाना प्रकार के वाद्य लेकर भजन करना आरंभ कर देते थे। इन सभी भजनानंदी भक्तों को चुंबक की नाई आकर्षित करने वाले तो श्री साई बाबा ही थे। मस्जिद के आंगन को देखो तो भक्तगण बड़ी उमंग से नाना प्रकार के मंगल कार्य संपन्न करने में संलग्न थे। कोई तोरण बांधकर दीपक जला रहे थे तो कोई पालकी और रथ का श्रृंगार कर ईशानादि हाथों में लिए हुए थे। कहीं कहीं श्री साई बाबा की जय जयकार से आकाश मंडल गूंज हो रहा था। दीपों के प्रकाश से जगमगाती मस्जिद ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो आज मंगलदायिनी दीपावली स्वयं श्रीडी में आ विराजमान हो गई हो। मस्जिद के बाहर दृष्टिपात किया तो द्वार पर श्री साई बाबा का पूर्ण सुसज्जित घोड़ा श्यामा सुंदर खड़ा था। श्री साई बाबा अपनी गादी पर शांत मुद्रा में विराजित देखी। इसी बीच भक्त मंडली सहित तात्या पाटिल ने आकर
स्वयं तैयार होने की सूचना देते हुए उठने में सहायता की। घनिष्ठ संबंध होने के कारण तात्या पाटिल उन्हें मामा कहकर संबोधित किया करते थे। बाबा सदैव की भ्रांति अपनी वही कफनी पहनकर बगल में सटका दबाकर चिलम और तंबाकू संग लेकर धंधे पर एक कपड़ा डालकर चलने को तैयार हो गए। तभी तात्या पाटिल ने उनके शीश पर एक सुनहरा जरी का फेरा डाल दिया। उसके पश्चात स्वयं बाबा ने तूनी को प्रज्वलित रखने के लिए उसमें कुछ लकड़ियां डालकर तथा धूनी के समीप के दीपक को बाएं हाथ से बुझा कर चावड़ी को प्रस्थान कर दिया। अब नाना प्रकार के वाद्य बजने आरंभ हो गए और उनसे भ्रांति भ्रांति के स्वर निकलने लगे। सामने रंग बिरंगे आतिशबाजी चलने लगी और नर नारी भ्रांति भ्रांति के वाद्य बजाकर उनकी कीर्ति के भजन गाते हुए आगे आगे चलने लगे। कोई आनंद विभोर हो नृत्य करने लगा तो कोई अनेक प्रकार के वाद्य और निशान देकर चलने लगे। जैसे ही बाबा ने मस्जिद की सीढ़ी पर अपने चरण रखे वैसे ही बालदार ने ललकार कर उनके प्रस्थान की सूचना दी। दोनों ओर से लोग चवल लेकर खड़े हो गए और उन पर पंखा जलने लगे। फिर पद पर दूर तक बिछे हुए कपड़े के ऊपर से समारोह आगे बढ़ने लगा। तात्या पाटिल उनका बाया तदम मलसापति दाई हाथ पकड़कर तथा बापू साहेब जोग उनके पीछे चत लेकर चलने लगे। इनके आगे आगे पूर्ण सुसज्जित अश्व श्यामा सुंदर चल रहा था और उनके पीछे भजन मंडली तथा भक्तों का समूह वाद्यों की ध्वनि के संग हरि और साई नाम की ध्वनि जिससे आकाश गूंज उठता था उच्चरित करते हुए चल रहा था। अब समारोह चावड़ी के कोने पर पहुंचा और सारा जन समुदाय अत्यंत आनंदित तथा प्रफुल्लित दिखाई पड़ने लगा। जब कोने पर पहुंचकर बाबा चावड़ी के सामने खड़े हो गए उस समय उनके मुखमंडल की दिव्य प्रभा बड़ी अनोखी प्रतीत होने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो अरुणोदय के समय बाल रवि क्षितिज पर उदित हो रहा है। उत्तराभिमुख होकर वे एक ऐसी मुद्रा में खड़े गए जैसे कोई किसी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हो। वाद्य पूर्ववत ही बजते रहे और वे अपना दाहिना हाथ थोड़ी देर ऊपर नीचे उठाते रहे। वादक बड़े जोर से वाद्य बजाने लगे और इसी समय काका साहब दीक्षित गुलाल और फूल चांदी की ताली में लेकर सामने आए और बाबा के ऊपर पुष्प तदम गुलाल की वर्षा करने लगे। बाबा के मुखमंडप पर रक्तिम आभा जगमगाने लगी और सब लोग तृप्त होते होकर उस रस माधुरी का आस्वासन करने लगे। इस मनमोहक दृश्य और अवसर का वर्णन शब्दों में करने में लेखनी असमर्थ है। भाव विभोर होकर भक्त महर्षापति तो मधुर नृत्य करने लगे परंतु बाबा की अभंग एकाग्रता देखकर सब भक्तों को महान आश्चर्य होने लगा। एक हाथ में लालटेन लिए तात्या पाटिल बाबा के बाई ओर और आभूषण लिए महर्षापति दाहिनी ओर चले। देखो तो ऐसे सुंदर समारोह की शोभा तथा भक्ति का दर्शन हो रहा है। इस दृश्य की झांकी पाने के लिए सहस्रों नर नारी क्या अमीर और क्या पकी सभी वहां एकत्रित थे। अब बाबा मंद मंद गति से आगे बढ़ने लगे और उनके दोनों ओर भक्तगण भक्तिभाव सहित संग संग चले लगे और चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण दिखाई पड़ने लगा।
संपूर्ण वायुमंडल भी खुशी से झूम उठा और इस प्रकार समारोह चावड़ी पहुंचा। अब वैसा दृश्य भविष्य में कोई ना देख सकेगा। अब तो केवल उसकी याद करके आंखों के सम्मुख उस मनोहर अतीत की कल्पना से ही अपने हृदय की प्यास शांत करनी पड़ेगी। चावड़ी की सजावट भी अति उत्तम प्रकार से की गई थी। उत्तम बढ़िया चांदनी शीशे और भ्राता भ्रांति भ्रांति के हांडी लालटेन लगे हुए थे। चावड़ी पहुंचने पर सत्या पाटिल आगे बढ़े और आसन बिछा कर तकिए के सहारे उन्होंने बाबा को बैठाया। फिर उनको एक बढ़िया अंगरखा पहनाया और भक्तों ने नाना प्रकार से उनकी पूजा की। उन्होंने स्वर्ण मुकुट धारण कराया तथा फूलों और जवाहरों की मालाएं उनके गले में पहनाई। फिर ललाट पर कस्तूर का वैष्णवी तिलक तथा मध्य में बिंदी लगाकर दीर्घकाल तक उनकी ओर अपलक निहारते रहे। उनके सिर का कपड़ा बदल दिया गया और उसे ऊपर ही उठाए रहे, क्योंकि सभी शंकित थे कि कहीं वे उसे फेंक ना दें। परंतु बाबा तो अंतर्यामी थे और उन्होंने भक्तों को उनकी इच्छानुसार ही पूजन करने दिया। इस आभूषणों से सुसज्जित होने के उपरांत तो उनकी शोभा अवर्णनीय थी। नाना साहब इमोड़कर ने वृत्ताकार एक सुंदर छत्र लगाया जिसके केंद्र में एक छड़ी लगी हुई थी। बाबू साहेब जोग ने चांदी की एक सुंदर ताली में पाद प्रक्षालन किया और आद्य देने के पश्चात उत्तम विधि से उनका पूजन अर्चन किया और उनके हाथ में चंदन लगाकर पान का बीड़ा दिया। उन्होंने आसन पर बिठलाया गया। फिर तात्या पाटिल तथा अन्य सब भक्तगण उनके श्री चरणों पर अपने अपने शीश झुकाकर प्रणाम करने लगे। जब वे तकिए के सहारे बैठ गए तब भक्तगण दोनों ओर से चवल और पंखे जलने लगे। श्यामा ने चिलम तैयार कर तात्या पाटिल को दी। उन्होंने एक फूंक लगाकर चिलम प्रज्वलित की और उसे बाबा को पीने को दिया। उनके चिलम पी लेने के पश्चात फिर वह भगत महालसापति को तथा बाद में सब भक्तों को दी गई। धन्य है वह निर्जीव चिलम, जितना महान तप है उसका, जिसने कुम्हार द्वारा पहले चक्र पर घुमाने, धूप में सुखाने, फिर अग्नि में तपाने जैसे अनेक संस्कार पाए। तब कहीं उसे बाबा के करस्पर्श तथा चुंबन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब यह सब कार्य समाप्त हो गया तब भक्तगण ने बाबा को फूल मालाओं से लाद दिया और सुगंधित फूलों के गुलदस्ते उन्हें भेंट किए। बाबा तो वैराग्य के पूर्ण अवतार थे। वे उन हीरे जवाहरात व फूलों के हारों कदम इस प्रकार की सजदज में कब अभिरुचि लेने वाले थे, परंतु भक्तों के सच्चे प्रेमवश ही उनके पूजन करने में उन्होंने कोई आपत्ति ना की। अंत में मांगलिक स्वर में वाद्य बजने लगे और बापू साहेब जोग ने बाबा की यथाविधि आरती की। आरती समाप्त होने पर भक्तों ने बाबा को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर सब एक एक करके अपने घर लौटने लगे। अब तांत्या पाटिल ने उन्हें चिनम पिलाकर गुलाब जल इत्र इत्यादि लगाया और विदा लेते समय एक गुलाब का पुष्प दिया। तभी बाबा प्रेम पूर्वक कहने लगे कि तात्या मेरी देखभाल भली भ्रांति करना, तुम्हें घर जाना है तो जाओ,
परंतु रात्रि में कभी कभी आकर मुझे देख भी जाना। तब स्वीकारात्मक उत्तर देकर तात्या पाटिल चावड़ी से अपने घर चले गए। फिर बाबा ने बहुत सी चादरें बिछाकर स्वयं अपना बिस्तर लगाकर विश्राम किया। अब हम भी विश्राम करें और इस अध्याय को समाप्त करते हुए हम पाठकों से प्रार्थना करते हैं कि वे प्रतिदिन शयन के पूर्व श्री साई बाबा और चावड़ी समारोह का ध्यान अवश्य कर लिया करें। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु।